बहुत ही शानदार तरीके से जो है छोटे छोटे बच्चे लोग भी अपने सोलापुर के धंधा करते हैं जोर में। माशाल्लाह स्कूल को कितवी को भाई? स्कूल को कितवी को है? नवी में कहाँ? सोलापुर के? जब सोलापुर के भाई। माशाल्लाह माशाल्लाह। आप नमस्ते सस्त्रियाकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका दोस्त बादशाह रियाज पाटिल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ एक और नए और बेहतरीन ब्लॉग में। तो फाइनली जो है बहुत ही शानदार तरीके से इस साल का भी जो है मीना बाजार जो है भरेला है। बहुत ही शानदार तरीके से जो है यहाँ पर दुकानदार है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से खरीदी हो रही। तो फिर अपने दुकान से जो है शुरुआत करेंगे बोलते क्लासिक कलेक्शन से, जिस तरीके से पिछले साल करे थे बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। पिछले साल आप लोगों ने जो है सपोर्ट किया था इस पूरे वीडियो सीरीज़ को, तो फिर चलो देखेंगे बोलते। बहुत सारे दुकानदार हैं, अपने बहुत सारे बिजनेसमैन दोस्त हैं जिनको जो है मिलने वाले आज अपन, और उनके बारे में जान पूछेंगे कि किस प्रकार से जो है उनका बिजनेस हो रहा, किस प्रकार से जो है रिस्पांस मिल रहा उनको लोगों की तरफ से। अभी जो है सिर्फ 2 दिन बचे ले मीना बाज़ार के लिए, तो फिर देखेंगे बोलते किस प्रकार से पूरा ये मीना बाज़ार चल रहा। मीना बाज़ार जो है 3 अलग अलग सेक्शन में रहता हमेशा हर साल की तरह, एक बेगम बाज़ार जो बेगमपेट में है, एक बादशाह बाज़ार जो अपने विजयपुर वेस्ट में रहता, और अपना जो लक्ष्मी मार्केट के पास जो है बेहतरीन तरीके से मसाला बाज़ार रहता। तो ये तीनों जगहों पर जो है अभी अपन जाने वाले इंशाल्लाह। तो फिर चलो बिना किसी देरी के शुरू करते आज के इस बेहतरीन ब्लॉग को। तो भाई लोग अभी अपन बीजापुर बेस में ही अपने क्लासिक कलेक्शन के सामने, मक्का मस्जिद के सामने, और उसके साथ साथ बहुत ही खूबसूरत तरीके से जो है पूरा मीना बाज़ार चले रहा है। बहुत ही शानदार तरीके से हर साल की तरह 3 सेक्शन में जो है मीना बाज़ार डिवाइडेड है। जैसा मैं स्टार्टिंग में बोला आपको, पहला जो है इधर बाजू सीधा जो है बेगम बाज़ार है, इधर लक्ष्मी मार्केट की तरफ जो है बेहतरीन तरीके से मसाला बाज़ार है, और इधर जो है अपना बीजापुर बेस और जोड़ पसोना की तरफ जो है बादशाह बाज़ार है। तो बहुत ही शानदार तरीके से पूरा मीना बाज़ार चल रहा। पुलिस प्रशासन का जो है पूरा सपोर्ट इस मीना बाज़ार को जो है मिल रहा है। पुलिस प्रशासन के तरफ से जो है दिन भर जो है बेहतरीन तरीके से लोगों को गाइडलाइन दिए जा रहे हैं। बहुत ही शानदार तरीके से पूरी सुरक्षितता जो है मेंटेन की जा रही है, बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा। तो फिर चलो सबसे पहला जो है बेगम बाज़ार में जाएंगे, और बेगम बाज़ार से पूरा वीडियो निकाल के जो है बाद में बादशाह बाज़ार और उसके बाद जो है मसाला बाज़ार कवर करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से होने वाला है भैया आज का ये काम। चलो तो बहुत ही शानदार तरीके से हर साल की तरह इस साल भी जो है छोटे मोटे व्यापारी अपने अपने सामान को लेकर जो है आते हैं मीना बाज़ार में, अपने अपने दुकान लगाते हैं। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पर, अलग अलग राज्यों से लोग आते हैं यहाँ पर, आजू बाजू के देहातों से लोग आते हैं यहाँ पर अपना अपना बिजनेस जो है सेट करने के लिए। बहुत ही शानदार तरीके से बहुत सारे लोगों का बिजनेस भी होता है यहाँ पर माशाल्लाह। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से लोगों को सपोर्ट भी मिलता। तो बहुत ही अच्छी तरीके से जो है आज अपन पूरा मीना बाज़ार घूमेंगे और देखेंगे बोलते इन सभी व्यापारियों से मिलेंगे, इनके साथ बात करेंगे। और सबसे पहला जो बेगम बाज़ार है ये बहुत ही ज़बरदस्त रहता। अस्सलाम वालेकुम निवांत जा रहा दुकान तरफ। सबसे पहला बेगम बाज़ार जो है ना ये पूरे बाज़ार में जो है औरतों के रिलेटेड सभी सामान रहता। फिर उसके बाद जो है ईद के रिलेटेड जो भी बर्तन वगैरह लगता, जो भी साजो सिंगार का जो भी सामान लगता वो सब जो है यहाँ पर मौजूद रहता बेहतरीन तरीके से। आप देख सकते ये पूरा मार्केट जो है ज़्यादातर यहाँ पर औरतों की दुकान है, मतलब बाकी के गैर रमजान के वक्त भी जो है ये पूरा मार्केट जो है औरतों के लिए ये स्पेसिफाइड मार्केट है। पूरे सोलापुर शहर के जो है औरतें यहीं पर आ जाते हैं मार्केट कोई भी सामान खरीदी करने के लिए। तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर प्लेट की दुकान है, फिर उसके साथ साथ डब्बे की दुकान है, फिर उसके बाद पप्पड़ की दुकान है, मतलब जो भी औरतों के रिलेटेड चीज़ रहते हैं वो सभी के जो है दुकान यहाँ पर मौजूद है। और बहुत ही शानदार तरीके से सभी लोगों का जो है बिज़नेस यहाँ पर चल रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त है माशाल्लाह। तो भाई लोग अपने सफवान अत्तर शॉप को अपन कैसा भूल सकते। आप सभी लोगों से यही इल्तजा है कि आप लोग जो है ज़रूर आओ अपने रमज़ान को, अगर आप खुशबूदार बनाना चाहते, अपने रमज़ान को जो है बेहतरीन बनाना चाहते, अपने रमज़ान को जो है और अच्छा बनाना चाहते, तो ज़रूर हमारी दुकान को विज़िट करो। बेहतरीन तरीके से जो है आपको यहाँ पर अलग अलग जो है इत्र मिलेंगे, फिर उसके साथ साथ जो है सुरमा मिलेगा जिससे जो है आपका रमज़ान जो है महकेगा माशाल्लाह तरीके से, आपका रमज़ान और भी खूबसूरत बनेगा। तो बहुत सारे अलग अलग स्पेशल वैरायटीज़ जो है ख़ास रमज़ान के लिए हमारे भैया लाते, तो ज़रूर विज़िट करो और बेहतरीन तरीके से जो है अपने लिए इत्र बोलो या फिर परफ्यूम बोलो या फिर जो है सुरमा वगैरह जो है खरीदी करो, जिससे जो है आपका रमज़ान जो है इंशाल्लाह महकेगा। अभी जो है 2 दिन बचे ले आखिरी रोजे तक जो है आप यहाँ पर आकर बेहतरीन तरीके से शॉपिंग कर सकते, और रमज़ान के बाद भी जो है आप यहाँ पर बेहतरीन तरीके से शॉपिंग कर सकते। तो फिर चलो जाइए बोलते बचे हुए मार्केट को देखने के लिए किस प्रकार से
बाकी लोगों का बिजनेस चल रहा। अस्सलाम वालेकुम जनाब। तो फिर चलो भाई लोग, बहुत ही बड़ा बाजार है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से सभी लोग जो है शॉपिंग कर रहे हैं। अभी ऐसा जाको उधर से आएंगे बोलते, क्योंकि बहुत सारे अपने दोस्तों की दुकान उधर बाजू हुई, तो अब उन बीच में से नहीं जा सकते, तो अपने को सीधा जो है जाना पड़ेगा वहाँ पर। तो आगे जाकर जो है अपना क्या बोलते इंदौर जिलेबी के पास से जो है वापस अपने को इधर आना पड़ेगा। तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चल रहे, पूरा रिटेल मार्केट है ये बहुत बड़ा। यहाँ पर जो है औरतों के रिलेटेड सभी सामान मिलता, आदमियों के लिए जो है उतना सभी सामान मौजूद नहीं है माशाल्लाह तरीके से यहाँ पर, क्योंकि बादशाह बाज़ार में जो है वो है वो टच। और बहुत ही शानदार तरीके से जो है सभी चीज़ें बेचे जा रहे हैं यहाँ पर माशाल्लाह तरीके से है। अच्छा है कि नहीं धंधा, है कि नहीं चल रहा, कि नहीं माशाल्लाह। तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चल रहा सब लोगों का धंधा माशाल्लाह। क्या क्या बेच रहे? जय नमाज है, हाँ, दफ्तर खाना है, और कुरान पेटी, पारी पेटी, मतलब जो भी दीन है, इतर भी है, इतर भी है, मतलब दीन के रिलेटेड जो भी चीज़ है वो सब बेच रहे। वाह वाह, चलो बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा, कुछ लेने करेंगे तो यहाँ आ सकते हैं आप। बहुत ही ज़बरदस्त है यार मार्केट है माशाल्लाह। चूड़ी वाले बहुत ही पुराने यार, यहाँ भी बहुत देर से गर्दी चल रही है माशाल्लाह। और अपने मक्का मस्जिद की बात तो और अच्छे भाई, बहुत ही खूबसूरत तरीके से जो है मक्का मस्जिद को अलग अलग लाइट्स के द्वारा जो है सजाया गया है, बहुत ही खूबसूरत दिख रही है मक्का मस्जिद। उसमें नहीं बोले तो भी एक 6-7 अलग अलग लाइट्स के जो है जरिए इस मस्जिद को जो है सजाया गया है यहाँ पर। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चल रहा सभी लोगों का बिजनेस माशाल्लाह। तो वाह यार, सभी मस्जिदों को जो है सजा लिया अच्छी तरीके से। वाह, मस्जिद को अगर सच्ची में सजाने करेंगे ना तो दीन से सजाओ यार, मस्जिद को आबाद करके सजाओ, लाइटिंग से सजा को कुछ फ़ायदा नहीं है। बहुत ही ज़बरदस्त है यार। चलो ईशा की अजान भी हो रही है, अभी नमाज के लिए जाना पड़ेगा अपने को लग रहा। बहुत ही ज़बरदस्त है भाई, फैमिलियर फेस नहीं दिख रहा भाई। वाह, बहुत ही ज़बरदस्त है। वक्त रमज़ान में खुलते हैं या फिर 12 महीने चालू है दुकान तुम्हारा? रमज़ान के महीने, सिर्फ रमज़ान के महीने में माशाल्लाह। क्या क्या है आइटम? दाल चावल गाड़ी हमारी सिविल चौक, सिविल चौक में दाल चावल गाड़ी है। हाँ हाँ दाल चावल की गाड़ी है। हाँ मालूम मालूम मालूम, अरे आयान को पहचानता ना, पिछले साल वीडियो काटा था ना इसका। क्या ये भरी समोसा छोड़ के बाकी सब बने क्या माशाल्लाह? पिछले साल वहाँ लगे थे नहीं? मैं वो क्या आयान भी दिख रहे नहीं क्या हमें? चलो बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा माशाल्लाह, बहुत ही अच्छा है। तो फिर भाई लोग बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चल रहा मार्केट है, बहुत ज़्यादा गर्दी है, बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत जो है चीज़ें मौजूद हैं। अभी भी जो है पिछले साल जितनी गर्दी नहीं है यहाँ पर। पिछले साल जो है जब मैं वीडियो बना रहा था, इसी वक्त जब मैं वीडियो बना रहा था तो इतनी ज़्यादा गर्दी थी उस वक्त, जिसकी कोई हद नहीं, चलने फिरने तक जगह नहीं थी। लेकिन आज तरह मीना बाज़ार जो है सुना सुना दिख रहा, उतनी गर्दी नहीं है, लोग हैं लेकिन उतने ज़्यादा लोग नहीं है जितनी होनी चाहिए। और क्या चले, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चल रहा मस्जिद, ये भी बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजल यार। बोलो क्या क्या हो? तो फिर भाई बहुत ही शानदार तरीके से दीनदार मस्जिद के सामने सबसे दीनदार आदमी मक्का अपने क्या बोलते बीजापुर बेस के हमारे सोलापुर शहर के ऋतिक रोशन, हमारे माड़ी भाई यहाँ पर हैं, बेहतरीन तरीके से जूस बेच रहे हैं। इस साल भी हर साल जगह बदलती, कभी वहाँ जूस का दुकान रहते हैं, कभी यहाँ रहते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है इनका धंधा, है कि नहीं? गर्दी है कि नहीं? है गर्दी, धंधा हो रहा कि नहीं? हो रहा। कैसा है पब्लिक का सपोर्ट? आए, आए, माशाल्लाह है। मतलब पिछले साल से ज़्यादा है कि पिछले साल से कम है? जरा थोड़ा कम है गर्दी नहीं? मैं वो बोला क्योंकि पिछले साल जब ये टाइम को मैं वीडियो बना रहा था तो पौ रखने जगह नहीं थी यहाँ। पहाड़ी छेड़ तुमने क्या बोलने का क्या निमांत मिक्सर बात कर रहा करेंगे उन्होंने? वाह वाह वाह, चलो तुमने भी अगर कुछ पीने का वगैरह रहेगा तो आओ हमारे माड़ी छेड़ के, यहाँ बेहतरीन तरीके से इनके पास आपको जूस वगैरह पी सकते हैं आप। तो फिर चलो अपन आगे जाएंगे बोलते, ईशा की नमाज का वक्त भी होने के, जल्दी से जल्दी जितना ज़्यादा हो सके उतना वीडियो बना के वापस आएंगे बोलते। बाबा सेल घर संसार हर साल की तरह इस साल भी जो है आया है इसमें अपना क्या बोलते मीना बाज़ार में, हर जगह पर रहते हैं यार इन्हों माशाल्लाह, मतलब चतरे में भी रहते हैं, गड्ढे में भी रहते हैं, और बेहतरीन तरीके से यहाँ पर भी आई मीना बाज़ार में भी। तो ये सब बाबा वाले का क्या माशाल्लाह? हाँ हर जगह पर जाने का क्या माशाल्लाह तरीके से, जतरे में भी, गड्ढे में भी। सही है, सही है। कैसा है रिस्पॉन्स, कहता है लोगों का है गर्दी, मतलब गर्दी है कि नहीं होता तो बोलो।
नहीं गर्दी नहीं, हाँ पिछले साल के हिसाब से गर्दी नहीं है। तुम ना लगते क्या ईद की तारीख तक गर्दी होंगी बोल के? होती चांद रात के दिन इंशाल्लाह। व्यापार तो हो रहा कि नहीं? माशाल्लाह अच्छी बात है। चलो ईशा का वक्त भी होने के जल्दी से जल्दी जितने दूर जा सके उतने दूर जाएंगे बोलते हैं। सलाम वालेकुम, क्या बोलने का, क्या रमजान कैसा चल रहा है तुम्हारे हिसाब से? हमारे तरफ से बहुत अच्छा रमजान चल रहा है, बहुत अच्छा बाजार है। हाँ, और बाजार में हर एक चीज मिल रही है, बहुत अच्छी मिल रही है। हाँ, और बहुत सस्ती भी मिल रही है हिसाब से, मतलब लोगों की बहुत ज्यादा मदद भी होने की। माशाल्लाह माशाल्लाह, और बहुत अच्छा खुशी की बात है, अमन और शांति के साथ हो रहा सब। अब किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं, क्या नहीं, क्या नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्या प्यार मोहब्बत से जो भी आएगा उसके हिसाब से हर एक सामान यार मिलेगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, शुक्रिया शुक्रिया। बहुत ही अच्छी तरीके से जो है भैया जी ने बताया, कुछ लेने करेंगे तो बाबा सेल्स के पास आ सकते हैं आप, बहुत सारे जो है आइटम है इनके पास भी। तो फिर अभी जो है मक्का मस्जिद में ईशा की नमाज पढ़े, वापस से जो है यहीं से शुरू करेंगे बोलते, बाबा सेल का आखिरी निकाले थे अपन। बेहतरीन तरीके से जो है बिजनेस चली सभी लोगों का यहाँ पर। वाह, अभी जो है ईशा के बाद जो है मार्केट में गर्दी दिखने लगी है। थोड़ी देर पहले बराबर आधा घंटे पहले जो है कुछ भी गर्दी नहीं थी यहाँ पर, लेकिन अभी भरपूर गर्दी दिख रही माशाल्लाह। वही तो नमाज के बाद ज़्यादातर लोग आना पसंद करते हैं, नमाज चुका को बाजार में घूमना अच्छी बात नहीं है ना। वही तो बहुत ही ज़बरदस्त। बहुत गर्दी है यार, मस्जिद तो बहुत खूबसूरत दिखते हैं यार लाइटिंग करने के बाद। भाई तो बहुत ही सही चल रहा है, सभी लोगों का बिजनेस हो रहा पर माशाल्लाह। भाई तो कितने खूबसूरत खूबसूरत दुकानें देखो ये छोटे छोटे छोटे। भाई तो और ये सब व्यापारी जो है ये ज़्यादातर सोलापुर के नहीं है, यहाँ बहुत सारे जो है बाहर से भी आते हैं बेहतरीन तरीके से अपना अपना बिजनेस करने के लिए, अपना अपना सामान बेचने के लिए। सलाम वालेकुम भाई, कहाँ वाले? सोलापुर वाले चाहिए। वाह वाह, माल कहाँ से लाती है? होलसेल व्यापारी है। भरपूर कैसा चले बाजार तुम्हारे हिसाब से? अच्छा चल रहा, अच्छी बात है। चलो दुआ में याद रखो। माशाल्लाह तरीके से सभी लोगों का जो है बिजनेस चल रहा। बहुत ही जबरदस्त है यार गर्दी है। वाह, स्पीड में निकलना पड़ेगा अपने को, लग रहा अपने कहने बहुत कम टाइम है भाई। बहुत ही जबरदस्त है, मतलब यहाँ पर औरतों के लिए सभी चीज़ की दुकान है यहाँ पर, कपड़े से लेके चप्पल से लेके भांडे बर्तन से लेके। बोलो जनाब, क्या बात करना चाहते, क्या बोलो आप, कैसा चल रहा है रमजान तुम्हारे हिसाब से? क्या चल रहा है, मतलब अभी सिर्फ दो तीन दिन बचे, ले गर्दी है क्या मार्केट को? है तो दुनिया माशाल्लाह, मतलब आखिरी दो दिन में और बढ़ेंगे क्या कम होंगी लग रहा है? इंशाल्लाह चांद रात तक और बढ़ेंगे। अभी दो त्यौहार है ना एक साथ। हाँ, अंबेडकर जयंती अपने ईद के दूसरे दिन अच्छा है बराबर। बसवेश्वर महाराज की भी जयंती है अभी बराबर, 22 तारीख को बैठाते हो। तो बहुत ही अच्छी तरीके से एक साथ दो तीन त्यौहार आ रहे हैं, मतलब अपने भारत देश की ये खूबसूरती है कि यहाँ पर सभी लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल को बहुत सारे जो ईद मनाते, तो बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा भाई। शुक्रिया। यहाँ के आप सोलापुर के? बहुत ही बढ़िया चल रहा भाई, बहुत ही अच्छी तरीके से भैया जी ने बात की कि एक साथ जो है बहुत सारे अलग अलग त्यौहार चल रहे हैं, एक साथ जो है बहुत सारे अलग अलग जो है कार्यक्रम चल रहे, बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा भाई माशाल्लाह। कैसा है भाई धंधा तुम्हारे हिसाब से? रिस्पांस नहीं है भैया, खाली पब्लिक है, पब्लिक कर दिया फक्त, खाली कर दिया भाई, मतलब पिछले साल के जैसा नहीं है? नहीं है, रिस्पांस भी नहीं है भाई, मतलब खरीदी करने वाले लोग ज्यादा थे गए साल, ये साल खरीदी करने वाले कम है, दो दिन में आएंगे लगते तुम ना, इंशाल्लाह दो दिन देखेंगे, दुआ करेंगे थे अल्लाह से, चलो अल्लाह कामयाब कर दे। बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा भाई, कुछ लोगों को जो है लग रहा कि गर्दी भरपूर है बिजनेस हो रहा, लेकिन कुछ लोगों का जो है बिजनेस नहीं हो रहा अभी, वो रिस्क की बात है, अल्लाह चाहे तो दे सकता धंधा, अगर नहीं चाहे तो नहीं दे सकता। वो तो अपना काम सिर्फ दुआ करना है। बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा भाई परे। वाह, पिछले बार यहाँ तक पहुँचने मुझे नहीं बोले तो भी डेढ़ घंटा लगा था, लेकिन ये बार सिर्फ आधे घंटे में पहुँचे अपन, बहुत ही सही चल रहा। और जनाब कैसा चल रहा धंधा? अल्हम्दुलिल्लाह, वाह बहुत भारी चल रहा। क्या क्या बेच रहे हो? पहले बहुत खूबसूरत खूबसूरत है पहले, माशाल्लाह। प्राइस क्या है इनका?
इनको 50 कुछ है, 50 कुछ है बेच रहे हैं। अरे बाप रे, क्या फायदा होते कि नहीं तुमने इसमें? अरे अरे अरे, ये जेबीम कलर है देखो, नहीं इतने खूबसूरत चीज़ है, 50 में छे, 50 में छे और वैसे में और औरता कम करके लेते थे, और 50 में 8 दो, 50 में 12 दो, 50 में अच्छे दिन आने गए दोस्तों। वाह वाह, अच्छे दिन आ गए दोस्तों, बहुत ऑफर चल रहा है यार, बेचारे 50 में 6 बेच रहे बोलते हैं, और बाद में औरता लेते टाइम को और उसे 50 में 8 और 50 में 10 करके लेकर छोड़ दे, वही तो बहुत ही अवगड़ है यार धंधा करना बोले तो। सेल हो सही है, सही है, सही है, बेचो बेचो बेचो, बहुत ही जबरदस्त। और कैसे चल रहा रमजान तुम्हारी सब चीज? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा चल रहा है। क्या खरीदी करेंगे? नहीं सब करे, पहला बेच रहे, क्या खरीदी कर रहे? खरीदी भी कर रहे हैं, और भाई का शॉप है हमारे। हाँ हाँ हाँ, जूते बेच रहे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़े भाई का शॉप है, 400 रुपए, वाह वाह वाह, ऊपर शॉप है। चालू है जी भैया, बंद कैसा रहता है? वाह वाह, बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा माशाल्लाह। तो फिर भैया मॉल के अंदर जो है बेहतरीन तरीके से, अभी जो बाहर भैया मिले थे उनका जो है ये शॉप है, जरा प्यास लगी थी तो भैया बोले जो हमारे शॉप को भी देखो ऐसा पानी भी पी को, तो बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा भाई। यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा बिक्री है, इनका शॉप दिख रहा नहीं लेकिन इनका धंधा जो है बेहतरीन दिख रहा माशाल्लाह, भरपूर जो है लोग आए खरीदी वगैरह करने के लिए। क्या सिर्फ जूते बेचते क्या माशाल्लाह? मतलब लेडीज के क्या, लेडीज जेंट्स के क्या, सिर्फ जेंट्स के? जेंट्स के ही ज़्यादातर माशाल्लाह, दिख रहा भरपूर है यार, अच्छी तरीके से चल रहा पर है माशाल्लाह, सभी लोगों का जो है धंधा चल रहा, सभी लोगों के जो है दुकान को गर्दी है, अच्छा है। तुम ना भी अगर कुछ लेने करेंगे जूते चप्पल तो हमारे भाई की दुकान को आओ, कुछ खरीदी करने करेंगे तो। मैनेजर भैया कैसा चल रहा है तुम्हारे सबसे धंधा? अल्हम्दुलिल्लाह। और दो दिन में आएंगे लगते तुम्हारा गर्दी? हाँ, तो कितने दिन में दुकान खोल के ये? अभी अपना एक साल होने आया है। एक साल होने आया है। अभी मार्केटिंग अपनी चालू है, बोलकर आ रहे कस्टमर। बराबर बराबर बराबर। एक बोर्ड का एक इंतजाम करो आप, और भारी होता नहीं सर है, पर अपना अपार्टमेंट इशू चल रहा है। हाँ चलते चलते चलते, तो बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा है, अगर कुछ लेने करेंगे तो विजिट करो जरूर इंशाल्लाह। चलो तो फिर भाई लोग, जैसे जैसे रात काली होती जा रही वैसा वैसा जो है गर्दी बढ़ती जा रही मार्केट में, बहुत ही शानदार तरीके से ईशा की नमाज़ पढ़ को बहुत सारी माँ बहनें और बहुत सारे हमारे भाई लोग जो है इस बेहतरीन मीना बाज़ार में जो है शॉपिंग करने के लिए आ रहे हैं अभी धीरे धीरे करके। तो फिर चलो यहाँ तक पहुँची, अभी जिंग दुकान को देखे अपन जूते के, अभी आगे जाकर देखेंगे बोलते बचे हुए दुकानों को किस प्रकार से जो है उनका धंधा वगैरह चल रहा, और वापस अपने को गाँव को भी जाने का। बहुत ही सही चल रहा भाई ये मार्केट माशाल्लाह, बहुत ही सही, बहुत ही शानदार तरीके से जो है छोटे छोटे बच्चे लोग भी अपने सोलापुर के धंधा करते हैं जोर में। माशाल्लाह, स्कूल को कितवी को भाई? स्कूल को कितवी को है? नवी में। कहाँ? सोलापुर के जाओ? सोलापुर के भाई। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप पांचवी को आप? वाह वाह वाह, बहुत ही अच्छी तरीके से बच्चे मार्केटिंग कर रहे हैं यार, मतलब धंधे पानी का नॉलेज रहना चाहिए, है कि नहीं? वो मुसलमान है क्या जिसे धंधा नहीं आता, है कि नहीं? बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा बच्चे लोगों का माशाल्लाह। चलो अभी जाएंगे बोलते और आगे। भाई लोग बचपन में जो है ना ये गॉगल्स को बहुत डिमांड थी मालूम के हमारे, अभी भी लेते लोग ये सब गॉगल ऐसे ऐसे फैंकी ये फैंसी बहुत लेते थे, कहाँ भी गए तो गड्ढा रंधे जतरा रंधे या फिर मीना बाजार रंधे अम्मी अब्बा रहे पहला ये अच्छे लोग आने वाले पीछे लगने वाले हैं माशाल्लाह। बहुत ही खूबसूरत है यार, तो बचपन की यादें ताज़ा होती मालूम है कुछ चीज़ों को देख के। बहुत ही अच्छी तरीके से बेच रहे भाई। क्या दुकान नाम क्या तुम्हारी दुकान का? क्या फक्त रमजान मिर्च लगा दे? वाह वाह वाह, क्या लेडीज का है क्या पूरा माशाल्लाह, अच्छा है। तो नाम क्या रे बेटे तेरा? अनस। तेरा दुकान है? भैया का है। हाँ हाँ, कैसा चले भैया, रिस्पॉन्स कैसा है लोगों का? अच्छा है माशाल्लाह, तो बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा। चलो और आगे जाएंगे बोलते, चलो चलो आगे, बहुत ही खूबसूरत तरीके से। रहमान भाई हमारे। तो फिर चलो भाई लोग पहुँचे आखिरकार एंड को, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है पूरा मार्केट, बहुत ज़्यादा कर दिया यार, एकदम क्या बोलते पानी निकल रहा टेंशन में।
बहुत ही जबरदस्त है। वाह वाह वाह, छोटे छोटे बच्चे लोग भी धंधा कर रहे हैं यार, जबरदस्त है। 100 रुपए 150 रुपए, बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहे हैं। क्या बोलना चाहते हैं, बोलो कैसा चले रमजान, क्या खरीदी करने आई क्या बेचने आई, खरीदी करने आए, क्या खरीदी किए, जूते कपड़े वगैरह पहले ले ले। तो कैसा चल रहा तुम्हारे हिसाब से मार्केट, ठीक चल रहा, बहुत अच्छी तरीके से भैया जी ने बात की अपने साथ, चलो बहुत ही सही तरीके से चल रहा है यार ये। वाह, सलाम अलैकुम नाना, सॉरी, बहुत ही जबरदस्त है यार ये। छोटे बच्चे ना बहुत खतरनाक है यार, बहुत ही सही चल रहा है यार मार्केट। क्या बेच रहे भाई तुम्हें, लोटे गिलास इधर भी लो जरा दिखाओ यार मेरा स्टॉल इतना मस्त है। तुम्हारे दोस्त है क्या, नाम क्या है, मुस्तकीम भाई, ओ मुस्तकीम भाई, जबरदस्त बेच रहे हो, पहला धंदा करो यार, बाद में हमें हंसते हो दिन भर बैठती है, क्या है, बहुत ही अच्छी तरीके से मार्केटिंग कर रहे हैं यार लड़कन ना, चलो जाएंगे बोलते हो रखे। वाह, ऑफिशियली मीना बाजार जो है यहाँ तक अच्छा है माशाल्लाह तरीके से, लेकिन अभी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और लोगों की डिमांड भी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रही, इसीलिए जो है अभी मीना बाजार जो है एंड तक गया है, मतलब पूरा सिद्धेश्वर पेट के आखिर तक जो है मीना बाजार पहुँचेला है माशाल्लाह तरीके से। तो बहुत ही ज़बरदस्त जो है बेच रहे सब लोग, क्या बेच रहे भाई तुम्हें, इतर कहाँ वाले आप, सोलापुर वाले क्या, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या क्या आइटम है, सब इतर वाले आइटम है, हाँ गुलाब है, मोगरा है, चमेली है, सिग्नेचर है, वाइट बक्स है, हाँ देखो ये आइटम लगो कपड़े को लगो, माशाल्लाह बहुत ही अच्छी तरीके से है भाई, चलो सीरियसली यार पहला जो है मीना बाजार सिर्फ यहाँ तक था, लेकिन अभी बहुत ही ज़्यादा डिमांड बढ़ी ली लोगों की, बहुत ही शानदार तरीके से जो है खरीदी हो रही, इसलिए जो अभी सिद्धेश्वर पेट के एंड तक यानी अपनी जो दुकान है उस्ताद जी के वगैरह, तो वहाँ तक जो है ये पूरा बाजार पहुँचेला है बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। और इधर बाजू भी जो है बाजार बढ़ेला, इधर जो है पूरा ज़्यादातर खाने पीने की चीज़ें हैं, अपनी इंदौर जलेबी तो अपनी सबसे फेवरेट जलेबियों के दुकान में से एक है वह स्वीट के, तो बहुत ही शानदार तरीके से अपन हाफ वे तो पहुँचे, मतलब आधा बाजार घूमे, बेगम क्या बोलते यार बेगम मार्केट में आधा बाजार तो घूमे, अभी बच्चे तो आधे बाजार में जाएंगे, अभी यहाँ पर एक दुकान है अपने मामू जान का वो देखेंगे बोलते, बहुत ही ज़बरदस्त है। भाई बहुत ही शानदार तरीके से चल रहा है यार माशाल्लाह। ए मामू नहीं है, बाबू है, मामू यहाँ जी, सलाम अलैकुम मामू, कैसा चले धंधा, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है, क्या क्या कैसा क्या क्या आइटम है, खाली वॉच, हाँ बेल्ट, पाकिट, और क्या भाव कैसा है, सब फिक्स रेट 130, हाँ 30 रुपये, मतलब लेडीज जेंट्स सब अच्छे, सब लेडीज जेंट्स माशाल्लाह। क्या ये गिरक का कैसा है, रिस्पांस कैसा है तुमना, थोड़ा स्लैक है, मतलब आज कभी कम है, जरा कम है, तुम्हारा लगता है क्या दो दिन में बढ़ेगा ऐसा लगता है। और मेन दुकान कहाँ है तुम्हारा, नवी पेट में, कहाँ आजू बाजू कौन सा बड़ा दुकान, जनता शॉपिंग सेंटर में, जरूर विजिट करो हमारे मामू की दुकान को, बहुत ही बेहतरीन मेहनत करती है बेचारे, तो कुछ लेने करेगा तो जरूर विजिट करो, ईद के वास्ते घड़ी वगैरह, तो चलो और आगे जाएंगे बोलते अपन, देखेंगे बोलते बचे हुए मार्केट को देखना। तो अपने वसंतों का मॉडल है अमली चुंगी मामू का बेटा जो है यहाँ पर बैठे है, कैसा चल रहा है धंधा तेरे हिसाब से, क्या बेचे कि नहीं तू, क्या क्या बेचा, बेल्ट हो गया कि नहीं, बेल्ट बाजू वाले का है, मतलब आधा दुकान उसका आधा दुकान तेरा है, अच्छा 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 अच्छा, कितने रुपए में घड़ी बेच रहा, 80 रुपए 50 रुपए, ये बड़े वाले 80, ये छोटे वाले 50, वाह 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 अच्छे हैं, तो
चलो अच्छी बात है। छुट्टी है क्या कॉलेज को? साल को छुट्टी है नहीं? चलो बहुत ही अच्छी तरीके से छोटे छोटे बच्चे भी जो है बिजनेस कर रहे हैं यार। वही तो बच्चिंदा को नॉलेज रहना चाहिए यार, पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा नॉलेज रहा तो भी अच्छी बात है, उनको लाइफ में मदद होती। चलो जेंगे बोलते आगे। इनके दुकान में चीज़ा देखना के लेट देखना वो समझने का नहीं, कितनी ज़्यादा लेट लगे ले माशाल्लाह। वही तो मटेरियल चमकने मांगता, वही तो वाह यार अच्छा चमक रहा मटेरियल का। विजुअल मर्चेंडाइजिंग कर रहे हैं यार इन। वही तो जितनी ज़्यादा लाइट रहेंगी उतना ज़्यादा जो है माल चमकता। उनका माल जो है ना ये ज़्यादातर लाइट पर डिपेंडेड है, जितनी अच्छी तुम्हें लाइटिंग करेंगे उतना अच्छा जो है माल दिखेंगे और उतना ज़्यादा जो है बिक्री होंगी। और उसी बेहतरीन जो है स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करके इन्होंने यहाँ पर सेल्स कर रहे हैं माशाल्लाह। सही है यार, बहुत ही सही है। बोलो जनाब, अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, कैसा चल रहा है तुम्हारे हिसाब से रमजान? बहुत अच्छा चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। आप बेचने आए ले क्या खरीदने आए? खरीदने आए भाई, शॉपिंग खरीदने आए। मुझे लगा आपका दुकान वगैरह है। कैसा चल रहा, मतलब क्या खरीदी किए कि नहीं अभी? अभी तो स्टार्ट करे, अंदर है अब भी, अंदर है अभी तो, अंदर है इंशाल्लाह आगे करेंगे। चलते 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 चलो भाई जान। इधर बाजू के जितने भी दुकान है ना वहाँ पर लाइटिंग इतनी खतरनाक किए ले कि मेरे अक्या चमक रहे मालूम क्या, देख देख के अक्या दुखने के काम आए हो तो बहुत ही खतरनाक दिख रहे यार सब दुकान आए। गर्दी गर्दी है लेकिन कस्टमर्स की गर्दी कम है, घूमने आने वालों की गर्दी ज़्यादा है। वही तो बहुत ही सही है भाई। पिछले साल जो है ना यहाँ के सभी दुकानों में अपन गए थे, सभी दुकानदारों का जो है बेहतरीन तरीके से इंटरव्यू लिए थे, तो बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा भाई, बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा है। बोलो जनाब, क्या खरीदी करनी है क्या बेचने की? क्या भी नहीं, चुप घूम रहे। वाह वाह अच्छा अच्छा, बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा है यार। तो भाई इधर बाजू जो है पूरा बैटल हो रही है, रैप बैटल हो रही है। इन लोग खाली 50 बोल रहे हैं, उन लोग अलग बोल रहे हैं। वाह वाह वाह, आवाज करो करो। हाँ बहुत ही जबरदस्त तरीके से चल रहा है यार, उत्साह है लोगों में। वही तो खाली 50 रुपए। तुम्हें क्या बेच रहे? रुमाल हाँ, नैपकिन है। दस रुपए हाँ। उस्मान देखते देखते बेच रहे वो भाई लोग, खतरनाक माशाल्लाह माशाल्लाह। चलो बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा है यार ये लोगों का धंधा। तुम क्या बेच रहे? शर्ट हाँ, नाम क्या तुम्हारा? अच्छा बेच रहे यार, स्कूल जाती के नहीं? तुम्हारे बच्चे ना बहुत होशियार है यहाँ आके माशाल्लाह, वो बेगम बैठे यार। बहुत ही जबरदस्त तरीके से चल रहा है यार, वाह बहुत ज़्यादा कर दिया है, बहुत अच्छी तरीके से सभी लोगों का धंधा चल रहा है। वाह यार, छोटे छोटे बच्चे को भी देख अच्छा लगता है यार कि वो बिजनेस वगैरह कर रहे हैं। सही है, वाह यार। इधर ज़्यादातर जो है लेडीज के कपड़े की दुकान है, उधर जो है ज़्यादातर क्या बोलते हैं एक्सेसरीज वगैरह की दुकान है। बहुत ही अच्छा है यार, सभी लोगों का धंधा हो रहा मालूम क्या, सभी लोग जो है उत्साह से बेच रहे, खुशी से बेच रहे। सलाम वालेकुम भैया, कैसा चल रहा तुम्हारे हिसाब से धंधा? है मिठाई को इसमें रमजान में डिमांड रहती, छोड़ो मिठाई को माशाल्लाह। और रमजान में क्या स्पेशल डिश वगैरह कुछ है क्या? हाँ हाँ, दही वड़ा बेच रहे थे माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये जो है अपने बुरहानपुर के बुंदेलखंड के जो है बेहतरीन जिलेबी वगैरह बेचते, बहुत ही बेहतरीन जो है टेस्ट है इनके जिलेबी का, इनके जो है मिठाई का। और बुंदेलखंड की जिलेबी बोलो या फिर इंदौर की जिलेबी बोलो, उस मध्य प्रदेश का जो भी आइटम है बहुत ही बेहतरीन रहते हैं और उनका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा रहता है। अगर कुछ खाने का रहेगा तो हमारे भाई की दुकान को ज़रूर विजिट करो, यहाँ पर जो आप आके मध्य प्रदेश का जो है बेहतरीन मिठाई का जो है टेस्ट ले सकते। तो चलो भाई दुआ में याद रखो। चलो तो ये छोटा बच्चा मिला अपने को, नाम क्या भाई तुम्हारा? अहमद। क्या बेच रहे तुम्हें? हाँ कैसा चल रहा बिजनेस तुम्हारा, तुम्हारे हिसाब से गर्दी है क्या नहीं है? खरीदी करने वाले की गर्दी है क्या, टाइम पास करने वाले की गर्दी है? दोनों की भी है। दोनों की भी है, वाह वाह।
स्कूल का नाम क्या है तुम्हारे? डी प्रोग्रेस। इंग्लिश मीडियम? उर्दू मीडियम। कहाँ पर है वो? लश्कर। लश्कर में है। माशाल्लाह, कितवी को आप? पांचवी को है। माशाल्लाह, बहुत ही होशियार बच्चा है, बहुत ही अच्छी तरीके से बेच रहा है यार। चलो तो चलो भाई, ये भी सब दुकानों का अपन पिछले साल विजिट किए थे, बहुत ही अच्छी दुकान है, बहुत ही अच्छे कपड़े मिलते हैं इनके पास भी। अच्छी करती है, कल शाम में नकुमा, मतलब लोगों के साथ इंटरेक्ट करके इतना मज़ा आता ना, इतना अच्छा लगता ना, जिसकी कोई हद नहीं हुई। तो बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा सभी का बिजनेस। बहुत ही शानदार तरीके से अरमान ज्वेलर्स के सामने पिछले साल की तरह इस साल भी जो अपने भैया को बैठे ले इत्र बेचते है क्या धंधा है क्या चल रहा क्या? कैसा चल रहा आपके हिसाब से? बढ़िया। कितने का बिक्री हुई? अच्छा, मतलब अच्छा हुआ या नहीं हुआ? मतलब अच्छा हुआ। ये छोटू भाई वगैरह कहाँ दिख रहे? नहीं, छोटू भाई नहीं आया साल। ये साल नहीं है, गाँव में क्या? माशाल्लाह। हाँ, आप इनके आप भी थे ना पिछले साल? वही तो। और कुछ ईद की खरीदी वगैरह की है कि नहीं? अभी अभी नहीं, जाते टाइम। जाते टाइम करने का। वापसी का सफर कब का? वापसी का सफर और अगले साल, मतलब अभी जाने का कब? ईद के दिन जाने का, ईद के पहला चल? ईद के दिन, 4 बजे। वाह वाह, तो बहुत ही शानदार तरीके से दूर दूर से जो है लोग आके बिजनेस कर रहे। आप कन्नौज के है ना? कन्नौज के। बहुत ही शानदार इत्र बनते हुए कन्नौज के। कन्नौज जो है बहुत ही पुरानी जगह है, जहाँ पर जो है भारत देश में सबसे पहले से जो है इत्र बनाने का काम चलता, और मुगलों के ज़माने से या फिर नवाबों के ज़माने से जो है वो वहाँ पर जो इत्र बनाया जाता है, और पारंपरिक पद्धति से जो है इत्र बनाते हैं वहाँ पर, वो मटके में वगैरह देसी इत्र बनाते हैं। तो बहुत ही शानदार है भाई, किसी भी प्रकार का केमिकल वगैरह नहीं रहता इनके इत्र में, इनका इत्र जो है पूरा नेचुरल इत्र रहता है, तो बहुत ही अच्छा है भाई। कुछ लेने करेंगे तो आ सकते हैं अरमान ज्वेलर्स के पास ही हमारे भाई। चलो, बैग्स में भी इतनी ज़्यादा वैरायटी रहती है, यहाँ आने के बाद मालूम पड़े यार मुझे कितनी ज़्यादा वैरायटी है। देखो इनकी दुकान में माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बेच रहे हैं यार अलग अलग प्रोडक्ट का। सही है, वाह बहुत ही ज़बरदस्त चल रहा है। चलो फाइनली आखिर को पहुँचे अपन। अरे आवाज़ कर तू भी, क्या तू? हाँ, नाम क्या तेरा? तैयमुल। वाह वाह, क्या बेच रहे? मेहंदी कोम। स्कूल का नाम क्या तुम्हारे? सोशल में। कितवी को है? पांचवी को है। बाप बच्चे होशियार है आजकल के माशाल्लाह, बहुत ही जबरदस्त तरीके से चल रहा है ये। चलो फाइनली वापस ये दीनदार मस्जिद तक पहुंचे अपन। बहुत ही जबरदस्त चल रहा है यार बिजनेस लोगों के। वाह, अच्छा लगता मालूम क्या, जब लोग खुश होते, जब लोगों का जो है बिजनेस वगैरह होता, लोग जब पैसे कमाते तो अच्छा लगता। वाह वाह, हर साल की तरह इस साल भी जो है दीनदार मस्जिद के सामने ये बेहतरीन दुकान लगे लाए। इन्हों भी बहुत दूर से आते हैं, हैदराबाद से आते हैं भैया, हर साल जो है इन्हों यहाँ पर दुकान लगाते हैं बेहतरीन तरीके से, और बिक्री भी होती है यार इनकी। हाँ जी, अक्कलकोट डिम्बी चिंचोली गाँव है अपना, बादशाह पाटिल। आप क्या खरीदी करने के बेच रहे हैं? अपने भाई जो है हर बाजार में मिलते हैं आपने को माशाल्लाह तरीके से। सही है यार, वो गणपति का वीडियो काटने जानते हैं, दशहरे का वीडियो काटने जानते हैं, या फिर दिवाली का वीडियो काटने जानते हैं, हर जगह पर वो भाई दिखने छुना माशाल्लाह। वही तो, बहुत ही ज़बरदस्त है यार ये। चलो फाइनली एंड को पहुँचे यार, बहुत ज़्यादा हैरान होता है यार यार, गर्मी बहुत है यार। वही तो, मामू फैंसी ज्वेलरी। वाह, ये भी बहुत ही बेहतरीन दुकान है, बहुत ही फेमस दुकान है, इन्हों भी हमेशा यहाँ लगाते, और पुराना दुकान है इनका भी, मक्का मस्जिद के बराबर सामने। तो चलो बहुत ही अच्छी तरीके से हुआ भाई, बेगम बाज़ार यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से चलता है। ये भाई का चाय का दुकान जो है बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चलता है, जहाँ पर जो है बहुत सारे लोग चाय पीते हैं, वहीं भी हमेशा यहाँ चाय पीता। वाह यार, बहुत ही ज़बरदस्त हुआ यार ये व्लॉग, बहुत सारे नवीन लोगों को मिलने के लिए मिला, बहुत सारे नवीन लोगों के साथ जो है इंटरेक्ट करे, बहुत ही सही है भाई। ये दुकानों को तो इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, आपके दुकान को इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। आपके दुकान को हमेशा गर्दी रहती है माशाल्लाह, छोड़ो बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा मदीना 90, ये चिकन 65, बहुत ही सही है भाई ये। बोलो भाई क्या बोलती? संगम मोड़ा गरम। अच्छा अच्छा अच्छा,
बादशाह दालू आ जाता यूट्यूब पर, बादशाह पाटिल बहुत सही है। हाँ जी, हाँ बोलो, क्या बोलते बोलो, वीडियो काटोगे थी काटने थी इनको, मुलुगा लपक जाते हैं। कल सुबह को आता, बच्चे लोग बहुत खतरनाक है यार। तो फिर चलो भाई, अपन सोलापुर शहर के सबसे मशहूर रेडीमेड स्टोर उमामा के पास पहुँचे। उमामा के बारे में किसे मालूम नहीं भाई, उमामा जो है सोलापुर शहर का भी सबसे बड़े ब्रांड में शामिल वाला है रेडीमेड के। यहाँ पर जो है रमज़ान के पहले दिन से लेके जो है रमज़ान के आखिरी दिन तक गर्दी रहती है। रमज़ान के पहले दिन से लेके जो है आखिरी दिन तक लोग जो है खरीदी करने के लिए आते, और बहुत ही फेमस वाला है। मतलब गांव देहात से लेके सिटी से लेके सब जगह जो है इनका स्टोर फेमस है। इनके स्टोर को जो है लोग आते, बहुत ही ज़बरदस्त है भाई। आप देख सकते हैं अंदर गर्दी कितनी ज़्यादा है माशाल्लाह। और चांदरात के दिन तक और ईद के दिन तक भी जो है यहाँ पर गर्दी रहती है माशाल्लाह तरीके से, ईद के कपड़े लेने के लिए। बहुत ही ज़बरदस्त है भाई ये दुकान। अगर ये दुकान नहीं देखे तो फिर क्या देखे यार, वही तो बहुत ही ज़बरदस्त है माशाल्लाह। चलो भाई, अपने क्लासिक के सामने अपने जीनत भाई का दुकान, जीनत फैशन। वालेकुम सलाम, कैसी चल रही भैया बिक्री? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बढ़िया। अच्छी है, पिछले साल के हिसाब से बराबर है, ज़्यादा है कि कम है? इस साल भी अच्छा है, मतलब लोगों का रिस्पांस है माशाल्लाह चल रहा। और क्या क्या नवीन वैरायटी क्या आई क्या? माशाल्लाह तरीके से चल रहा, मतलब। चलो दुआ में आदर को, अगर कुछ खरीदी करने करेंगे तो हमारे भाई की दुकान को, हमारी दुकान के बराबर सामने जो है भैया का दुकान है, तो ज़रूर विजिट करो इनके दुकान को, बहुत ही ज़बरदस्त है भैया। और फिर से हर साल की तरह अपने भाईजान आए ले यहाँ पर। सलाम वालेकुम भाईजान, कैसा चल रहा धंधा? अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह। क्या ये साल नवीन आइटम है क्या सब, वो पुराना टीपी टोपी वगैरह? ओल्ड इज गोल्ड। वाह वाह, बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा। बहुत दूर से आते भैया यहाँ पर बिजनेस करने के लिए सोलापुर को, बहुत ही सही है यार ये। तो फिर चलो भाई लोग, फाइनली बेगम बाजार ख़त्म हुआ। बहुत ज़्यादा वक्त लगा यार इसे वीडियो बनाने के लिए, बहुत ज़्यादा वक्त लगा। चलो पहला दुकान में जाएंगे, ज़रा फ्रेश होंगे, फिर उसके बाद जो है बादशाह बाजार का जो है वीडियो निकालेंगे बोलते हैं। चलो तो यहाँ छोटे खरीदार मिले ले अपने को। नाम बोलो भाई तुम्हारा क्या है? अलहान। तुम्हारा? रेहान। तुम्हारा? जुनेद। अलहान, रेहान, जुनेद, तुम्हें दोनों भाई हैं क्या? हाँ। तुम्हें दोस्त इनके? स्कूल का नाम क्या तुम्हारे? हिंदुस्तान। हिंदुस्तान में जाते हैं? मैं हरी भाई देवकरण का हूँ, हमारे स्कूल के पीछे तुम्हारी स्कूल है। तो क्या खरीदी करेंगे नहीं रमजान की? क्या क्या खरीदी करे? अभी नहीं करे, अम्मी अब्बा ले जाएंगे तो कपड़े तुम ना ले ना। क्या जींस पैंट लिए, शर्ट लिए क्या शिला को लिए? जींस पैंट शर्ट। वाह वाह, कैसा गर्दी कैसी लग रही तुम ना मार्केट में? अच्छी है गर्दी। हाँ चलो, बहुत ही अच्छी तरीके से बच्चे लोग बात कर रहे हैं यार, चलो अच्छी बात है। कितवी को है तू? तुम्हें? तुम्हें एट्थ में? एट्थ में, सीरियसली? अरे भाई खाते जाए यार, बच्चे बहुत छोटे छोटे दिख रहे लेकिन स्कूल बहुत बड़े बड़े स्कूल में यार। चलो अच्छी बात है, जाएंगे अभी फ्रेश होंगे और बाद में बादशाह मार्केट में अपने को जाने का। चलो तो फिर भाई लोग, बहुत ही शानदार तरीके से पूरा बेगम बाजार का वीडियो निकाले, बहुत ही ज़्यादा गर्दी है, बहुत ही शानदार तरीके से बिक्री चालू है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है पूरा रिस्पांस मिल रहा। और अपने दुकान में तो गर्दी है, मतलब पहले दिन से गर्दी रहती है और अभी आखिर आखिर को थोड़ा कम होती, तो बहुत ही अच्छी तरीके से वेला है, बहुत ही शानदार तरीके से। अभी थोड़ा देर ब्रेक लेंगे, चाय पानी वगैरह पियेंगे, फिर उसके बाद आगे बादशाह बाजार और उसके बाद मसाला बाजार में जाकर बेहतरीन तरीके से वीडियो बनेंगे बोलते। तो फिर अगर आपको ये पूरा बेगम बाजार का वीडियो पसंद आया होगा, पूरे बेहतरीन जो है इंटरव्यूज पसंद आए होंगे लोगों के, तो इसे लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करो, कमेंट बॉक्स में अपने ओपिनियन बताओ। और जाने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल को ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस को, व्लॉग्स को, एपिसोड्स को, सीरीज़ को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करो। तो फिर तब तक के लिए अलविदा, मिलेंगे फिर से। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, धन्यवाद। तो फिर चलो भाई, बादशाह बाजार में अपने संगमेश्वर कॉलेज के एक बादशाह मिले अपने को। भाई कैसा चल रहा खरीदी? हो क्या क्या खरीदी करे? हाँ, अम्मी के साथ है या भैया के साथ है? मम्मी फैमिली के साथ। फैमिली के साथ है माशाल्लाह। और बाकी दोस्ता के साथ वो कब आने का? और चांदरात के दिन दोस्ता के साथ आने का माशाल्लाह। कैसा तुम्हारे हिसाब से कैसा लग रहा माहौल? माशाल्लाह सब अच्छा लग रहा, सब लोग मिलजुल को प्यार मोहब्बत से कर रहे हैं। अच्छा अच्छा।